अहमदाबाद से मुंबई आए थे बनने फिल्म डायरेक्टर बन गए स्क्रिप्ट राइटर एंड टुडे ही इज बेटर नोन एज ए लिरिसिस्ट फ्रेंड्स लेट्स ट्रेस द जर्नी ऑफ आवर गेस्ट फॉर द डे मयूर पुरी लेट्स वेलकम हिम फर्स्ट वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस थैंक यू फॉर हैविंग मी कोमल जी अहमदाबाद में आप क्या करते थे और आपका बचपन कैसे गुजरा बचपन तो पेड़ों पे चढ़ के और दोस्तों के साथ बदमाशियां करके और

नॉट अ बुक वर्म बट आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बट बट नॉट रियलीम वन केम टू कॉलेज सडनली वो सोलह मतलब अठारह अच्छा साल की उम्र में सडनली मेरे को ये हो गया कि बहुत पढ़ना चाहिए तो, <laughs> <laughs> तो मैं लाइब्रेरी में जाके बैठता था और अहमदाबाद में एक लाइब्रेरी हमारे यहाँ एमजे लाइब्रेरी उस, उस लाइब्रेरी में साढ़े चार लाख किताबें थी उन दिनों तो मेरा ये था कि मैं इसमें से मतलब कम से कम साढ़े चार सौ तो पढ़ी लूँ एंड आई थिंक आई मैनेज टू रीड फेयर बेट इन माई कॉलेज और किस किस्म की बुक्स पढ़ते थे आई यूज टू रीड एवरीथिंग एवरीथिंग पोइट्री प्लेज वो एलन के चार स्क्रीन प्लेज वहां पे एक रैक में पड़े हुए थे जो तीस साल से किसी ने इशू नहीं किए थे उस लाइब्रेरी में <laughs> धूल खा रहे थे वो मैंने बोले दैट बिकेम टेक्स्ट बुक बिकॉज मैं अहमदाबाद में रहता था मैंने कोई फिल्म कोर्स नहीं किया मुझे पता नहीं था कि इसको पैन बोलते हैं या इसको tilt up या टिल डाउन बोलते हैं मगर मैं सीन्स लिखता था मैं खुद अपने सिनेरियोस में ड्रॉ करके बनाता था, था कि यहाँ से ऐसे ट्रैवल होगा यहाँ से एक्टर आएगा सब बड़ा टेक्निकली बड़ा करेक्ट होता था मेटिकुलर डिटेल मगर मुझे ये नहीं पता होता था कि इसको ये बोलते हैं इसको फिर फिर जब वो हुलन के स्क्रीन प्लेस कॉलेज में मेरे हाथ में आए तब चार साल तक मैं उनको रेगुलर री इश्यू करता रहा वो बुक को मैंने वो बुक को अलग नहीं रखा अपने से वो स्टारडेस्ट मेमोरीज मैनहट्टन एनी हॉल ये चार फिल्में उसके अंदर थी और वो मैं मतलब पढ़ता गया पढ़ता गया एवरीथिंग दैट आई लर्न अबाउट स्क्रीन राइटिंग इज फ्रॉम दैट वन बुक रियली सो दैट यूज टू हैपन फिर कॉलेज में मुझे ब्रेक मिलने लगा मैंने थिएटर काफी किया तो मुझे काफी uh, और मैं पहले से मेरा ये था कि मैं कुछ टेक्निकल काम करूं ताकि ज्यादा जगह पे काम कर सकता ज्यादा लोगों के साथ अलग अलग डायरेक्टर्स अलग अलग तो मैं म्यूजिक में घुस गया मगर फैमिली में कोई बॉलीवुड का हिस्सा नहीं नॉट एट ऑल दूर दूर तो तो तक बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल आम माई डैड वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज टू वर्क इन रेलवे माई मॉम इज अउस वाइफ ना फैमिली में कोई कहीं पे कोई किसी का दूर दूर से बॉलीवुड से रिश्ता नहीं था इसीलिए बहुत स्ट्रगल करके मेरे को घर से निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था हुआ बहुत मेरे डैड ने यहाँ तक ये कर दिया था कि मतलब यू कै नॉट गो इफ यू गो यू के नॉट कम बैक वो जो एक टिपिकल जो घरों में सीन्स होते हैं वो सारे हो गए और अब मेरे डैड जब मैं जाता हूं तो मुझे लेके अपने सब दोस्तों के पास घुमाते बोलते आई टोल्ड टू टू गो बॉम्बे घुमातेम्बे लाया डैड ठीक सेड नहीं मैं ऐसे ऊपर से दिखावा करता था कि तू ना जाओ मगर मतलब अंदर, अंदर से, <laughs> से तुम्हें चाहता ही था <laughs> <laughs> यहाँ जब मुंबई आए आपका लोल से डर लगा सात सौ रुपए लेके मैं आया था ऑफकोर्स बहुत डरा हुआ था तो मुंबई में पहले से दोस्त थे कुछ दोस्त थे मुंबई में जो भी वो भी स्ट्रगल कर रहे थे वो भी कर रहे थे उसमें से एक खास मेरा दोस्त था लाजन जोसुफ लाजन जोसुफ उमेन जिन्होंने बाद में मुन्ना भाई एम बी बी एस का को स्क्रीन प्ले उन्होंने किया है आ, तो लाजन के घर पे मैं रुका था कुछ दिनों के लिए लाजन का एक दोस्त हुआ करता था उस जमाने में जो शायद वो भी असिस्ट करने की कोशिश कर रहा था उसके तो उसने मुझे बड़ी हेल्प की हेमंत घोष उसका नाम था उसने मुझे चालीस नेम्स एंड नंबर दिए एक कागज पर लिखे उस लिस्ट में नीचे कहीं एक संजय गढ़वी का नाम था कि ये आदमी भी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है उसकी बनी नहीं है पहली इही इही फिल्म इही तो तुम उसको जाके मिल लो तो मैंने फोन किया गढ़वी ने मुझे बुलाया पंद्रह मिनट का वक्त उन्होंने मुझे दिया था हम कुछ साढ़े तीन घंटे बाद खड़े हुए हम दुनिया भर की बातें करते रहे एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस विद मी एंड सेट के आई एम नॉट मेकिंग फिल्म राइट नाउ बट द डे आई मेक माई फिल्म यू विल बी माई चीफ एडी आई प्रॉमिस यू अरे वाह सीधा चीफ एडी चीफ इडी सीफी चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर और जब उन्होंने मुझे रखा उसकी अगले हफ्ते ही उन्हें फिल्म मिल गई बनाने के लिए छोटी फिल्म थी तेरे लिए जिसके गाने बड़े अच्छे थे तेरे लिए आ, प्रीतम की पहली फिल्म थी वो, करें, प्रीतम करें, और जीत जीत प्रीतम प्रीतम जोड़ी थी जोड़ी करें। थी करें। तो उनका म्यूजिक था और सोनू निगम ने सारे गाने गाए थे और बड़ी इंटरेस्ट छोटी फिल्म थी उस जमाने में चीफ फेटी था और चीफ असिस्टेंट और तो उस वक्त जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मतलब मुझे तो पता नहीं था कि उनको फिल्म मिल गई है उन्होंने मुझे फोन किया उन्होंने बोला कि इस तरह से मेरे को एक फिल्म छोटी फिल्म मिली है ये वो तुम अभी आ जाओ तो तीसरे ही दिन बॉम्बे में मेरे पास जॉब थी The, मैंने स्ट्रगल वेरी वेरी लकी वेरी लकी बट मेरी स्ट्रगल कुमार जी जो हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ कि स्ट्रगल काम ढूंढने की नहीं होती है स्ट्रगल काम करने की कर दिखाने की निरंतर करते रहने की स्ट्रगल होती है। आई हैव एन एग्जाम एवरी फ्राइडे राइट वी हैव एन एग्जाम एवरी फ्राइडे वेरी ट्रू सो मेरा होमवर्क खत्म नहीं होगा जिंदगी भर मैं होमवर्क करता <laughs> ही रहूंगा <रहुआ>। मयूर <laughs> आप असिस्टेंट डायरेक्टर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुदीन के आप डायरेक्टर बन गए फिर आप डायरेक्टर क्यों नहीं बने मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ <laughs> मैं बहुत अच्छा बहुत मददगार हूँ लोगों की बहुत हेल्प करता हूँ मैं हर वक्त हर साल मैंने किसी ना किसी दोस्त की हेल्प करने के लिए अपनी फिल्म स्टार्ट नहीं की कभी पुराने एहसानों का बोझ चुकाना था कभी ये था कि अरे ये बेचारा फिल्म पहले इसकी बन जाए फिर मैं अपनी बना लूँ तो मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को हेल्प किया यंग डायरेक्टर्स को जो बना रहे हैं फिल्म या कोशिश कर रहे थे कभी स्क्रिप्ट में किसी को जरूरत पड़ी कि नहीं नहीं पहले मेरे स्क्रिप्ट कर दे उसके बाद और एक हमेशा से मैं फिल्म फैमिली से नहीं हूँ ना मैं बॉम्बे से हूँ तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पे अपना घर बनाने के लिए अपनी फैमिली को रखने के लिए तो एक कौन स्ट्रगल हर महीने वो एक एक चंद अमाउंट आपको जरूरत पड़ती है वो चाहिए जावेद साहब ने बहुत अच्छा लिखा है वो एक जगह पे कि आ, आ, हर एक का खुशी से फासला बस दो कदम है हर एक घर में बस एक कमरा ही कम है तो वैसे मेरे घर में भी एक कमरा कम है तो वो एक कमरे की क्षतिपूर्ति के लिए मैं लगा हुआ लगा हुआ अब मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया ये तेरह साल मुझे हो गए यहाँ पे चौदह साल होने को आए तो मैंने मेरा एक एक्स्ट्रा एक घर था वो मैंने बेच दिया अब उसके जो पैसे आए हैं उससे मैं छह महीना साल घर पे बैठूंगा नहीं काम करूंगा अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगा और अपनी फिल्म बनाऊंगा तो लिरिक्स राइटिंग में कैसे घुस गया प्रीतम की वजह से इसका सारा दोष क्रेडिट ब्लेम जो भी है एक ही इंसान को जाता है प्रीतम चक्रवर्ती जब मैं यशराज में असिस्टेंट था प्रीतम जब पिच करता था ट्यून्स अपनी दुनें जब वो सुनाता था तो मुझे और संजय भाई को समझ में आता है ट्यून्स ये वो लेकिन किसी और को सुनाने के लिए अगर उस पर कुछ भी डमी वर्ड्स हो अल्फाज हो तो बेहतर होता है तो आदि सर को प्रेजेंट करने के लिए अक्सर मैं डमी लिखा करता था मैं बड़े मजाक में प्रीतम को डमी लिख के दिया करता था बहुत ही हंसते खेलते ऐसे ही अच्छा अच्छा को मीटिंग है अच्छा ऐसा कर ले ऐसे करके मैं लिख देता था <ongo> कई बार वो डमी फाइनल हो जाते थे <laughs> अब उसमें नाम गया है किसी लिरिसिस का जिसने वो पिक्चर के गाने लिखे हैं mm. मगर वो डमी में रहे ठीक mm -hmm. है ऐसा कई और मैं आई यूज़ टू नॉट माइंड बिकॉज आई नेवर टुक लिरिक राइटिंग सीरियसली एज अ करियर ऑप्शन मुझे हमेशा मजाक लगता था फिर ऐसा हुआ 2004 में मैंने टू uh, धूम रिलीज होने के बाद एंड में टू थाउजेंड धूम में भी आप असिस्टेंट थे आई वॉज दी एसोसिएट डायरेक्टर टू थाउजेंड फोर में रिलीज हुई है टू थाउजेंड फोर एंड में मैंने यशराज या, से निकल के मैंने अपना पर्सनल लिखना शुरू किया औरों के लिए और उस वक्त भी मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला था और वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं मगर उसकी वजह से मैंने और आदित सर से मेरा बहुत अच्छा भी है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट आदित्य चोपड़ा मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे ऐसे मुझे एक ऑप्शन मिला है तो उन्होंने कहा जरूर जाओ तुम तो केपेबल ही कुछ कर ही लोगे लाइफ में और ये तो घर है तुम्हारा कभी भी आ सकते हो तो मैं निकल गया उस वक्त तब तक मैं लिरिक्स नहीं लिखता था जबकि मैं 99 से बॉम्बे में हूँ ये 2004 की बात हो गई 2005 में एक दिन सडनली मेरे को प्रीतम का फोन आया बोला यहां हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्टूडियो में और सोनू निगम आके बैठे हुए हैं और मुखड़ा जो तुमने एक डमी मेरे लिए बनाया था वो हो गया भी दिया में आ जा और अंतरे लिख दो ये मेरा पहला गाना था ये कौन सी ये चॉकलेट नाम की फिल्म थी हाँ। और वो गान... आ, हाँ और वो गाना था हल्का हल्का सा ये नशा बहका बहका सा ये समा जाना वो वाला गाना था तो चॉकलेट फिल्म के लिए तो वो मैं आया और उसका भी मुझे कोई सिचुएशन का ब्रीफ नहीं था कुछ नहीं था तो जैसे भी था विवेक ने मुझे जो बताया डायरेक्टर अग्निहोत्री उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा दिया उसका और मैंने लिखा वो हिसाब से क्योंकि मुश्किल था वो पहली बार मैं कर रहा था और पंद्रह मिनट में मतलब करना था बिकॉज द सिंगर वॉज ऑलरेडी देर एंड इट वॉज ऑल हैपनिंग तो मेरा पहला गाना ऐसे ही हुआ मतलब एकदम विदाउट एनी प्रेशर उसके बाद प्रीतम ने यही ट्रिक मेरे साथ में कई खुश बार और की, की इसको तो अच्छा है लास्ट मिनट पे बोला लो तो लिख देते है, वरना नहीं लिखते तो इस तरीके से करके मैंने कुछ गाने चॉकलेट के सारे गाने फिर तीन गाने जो बच्चे थे वो तीनों मैंने लिखे उसके बाद फाइट क्लब ऐसे करके फिल्में मेरे को मिलती गई लिखने के लिए मैं लिखता गया गाने बहुत सीरियस नहीं था उस बात को लेकर मगर पैसे आते रहे पैसे आते रहे वो भी जरूरी था क्योंकि मैं नौकरी छोड़ चुका था तो आई हैड टू सर्वाइव एंड डू तो वो वो करता रहा प्यार के साइड इफेक्ट्स वाज माय फर्स्ट सोलो एल्बम जिसमें सारे गाने मेरे थे अच्छा। हाँ उसमें काफी अच्छे तोबा में प्यार करके पछता है वो जो है जाने क्या अच्छा चाहे मन बावरा जो मेरा पिक्चर भी बहुत अच्छी पिक्चर भी तो। अच्छी थी तो वो तो इस तरीके तो से मेरा रिक्शन मिला ये कहना सही होगा बहुत ज्यादा नहीं अच्छा कई लोगों को पता नहीं अभी कि मैंने सगल के दिनों में क्या क्या किया है मगर किया है बहुत कुछ तो लेकिन मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखता था मैं साल में छह सात आठ गाने लिखता था उससे ज्यादा नहीं लिखता था क्योंकि मैंने कभी उसको सीरियसली लिया नहीं टू थाउजेंड में ये हुआ कि मैं डायरेक्टर बना मुझे एक फिल्म दी गई दोस्ती में ईशा देओल मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी तो उसने कहा मेरे लिए फिल्म बनाओ तो मैंने बनाना शुरू किया हेमा जी प्रोड्यूसर थी और खैर उसमें बहुत सारे टंटे फसाद हुए उस फिल्म में फिर मैंने छोड़ दी वो फिल्म फिर हेमा जी ने कंप्लीट की हेमा जी ने रीशूट ऑलमोस्ट रीशूट की फिल्म उन्होंने तो कहा ऐसा क्या हुआ मैं आपको बताऊं कोमल जी आपके शो पे आने का एक बहुत बड़ा ये भी है मेरा मेरी इच्छा थी कि मैं आऊँ क्योंकि हेमा जी यहीं आपके शो पे आई थी और उन्होंने मुझे इस पूरे प्रोसेस में जिस बात का सबसे ज़्यादा दुख हुआ और जो लगा था वो ये था कि आ, मैं तो आई वॉज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आई कुड नॉट ओपन माई माउथ तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता था कि मेरे साथ क्या हुआ उस फिल्म के दौरान इंटेंशन किसी की खराब नहीं होती किसी का बुरा नहीं होता है हेमा जी भी बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं मेरी दोस्त की माँ है मैं ऐसा समझता हूँ मैं समझता हूँ ऋषा की माँ, मतलब की माँ, माँ है मेरी दोस्त की मम्मी है मैं उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहूँगा या कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे क्रिएटिव डिफरेंसेस थे बहुत हद तक के थे इस हद तक के थे कि वो रिजॉल्व नहीं हो सकते थे कोमल जी कोई तरीका नहीं था मेरी और उनकी सोच ही अलग थी मैं जिन चीजों पर हंसना चाहता मैं जिस चीज को सटायर या पैरेडी करना चाहता था वो उन चीजों को सीरियसली ले रही थी स्क्रिप्ट में हुँ, हुँ, हुँ. तो अब स्क्रिप्ट एक ही अगर आप पचास डायरेक्टर्स को देंगे तो वो अलग तरीके से तरीक बनाएंगे एक्जैक्टली exactly. सबका नजरिया अलग होता है हाँ तो जब उन्होंने एडिट देखा उनको नहीं समझ में आई फिल्म उनको लगा ये तो कुछ अलग ही बन रही है तो इस बात को लेके बहुत और मैं ये मेरा ये था कि मेरी पहली फिल्म है मैं मैं नहीं समझ अगर मुझे वैसे ही डायरेक्टर बनना होता तो मैं बहुत बरसों पहले बन गया होता मुझसे नहीं होता है वो मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा तो उस बात को लेके बहुत आ, मतलब ये हुआ था और हेमा जी यहाँ आई थी आपके शो पे और आके उन्होंने बोला भी था कि मयूर ने अच्छा काम नहीं किया अब आपका शो पूरा हिंदुस्तान देखता है मेरे माँ बाप भी देखते हैं ये बहुत बुरी चीज़ हुई मेरे साथ में तो मुझे उस वक्त बहुत बहुत दुख हुआ उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि ठीक है ये फिल्म मुझे नहीं करनी अब मैं ये नहीं करूंगा अगर अगर मैं सच्चा हूँ अगर मैं सही हूँ तो कभी ना कभी तो मैं कोई फिल्म बनाऊंगा या मैं जो भी काम करूंगा मुझे उससे प्यार मिलेगा लोगों का अब तक भी मिलता है तो आई हैव नो कंप्लेन एंड नो रिग्रेट्स एंड ऑल दैट तो आई आई वेंट इन टू हाइडिंग मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मुझे मैं ग्रोन ग्रोनअप से थक चुका था ग्रोन ग्रोनअप से डील कर करके बड़े लोगों से तो मैंने सोचा मैं बच्चों के साथ काम करूंगा तो मैंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया कॉल स्टोरी सर्कस तो मैं वहाँ पे पपेट चूज करता था बच्चों के साथ में मैं और मेरी वाइफ हम पपेट चूज करके बच्चों को पढ़ाते थे रियली really? तो जी तो एक साल मैंने वो किया उस दौरान मैं फिर से आदि आदि सर को मिला आदित्य चोपड़ा को यशराज में जाकर तो उन्होंने कहा तू कहाँ गायब हो गया है तू कुछ काम नहीं कर रहा है बॉलीवुड में ये वो तो मैंने बोला हाँ सर मैं बहुत मुझसे नहीं हो रहा है दैट तो इस सेट पर तू गाने लिख तू सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है जब तू गाने लिखता है तो मैंने कहा बट आदि सर वो कोई प्रोफेशन थोड़ी है बोले तू बेवकूफ है यू यू डू समथिंग दैट यू एंजॉय फॉर व्हिच यू आर गेटिंग पे यू आर गेटिंग हो सकता है तो यू फोकस सीरियसली तो आई सेट बट सर मैं तो साल के पांच गाने लिखता हूं तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा क्यों तुम साल के बीस गाने लिखो ना क्यों ये नहीं सोचते कि टॉप टेन में तुम्हारा कोई गाना हो या दो गाने हो या चार गाने हो और मुझे वो बात लगी काफी तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है मैं सीरियसली गाने लिखना शुरू करता हूँ और मैंने लिखना शुरू किया सीरियसली पिछले साल 2012 मैंने बैठ के भी गाने से ऊपर लिखे और इस साल जनवरी में एक काउंटडाउन था जिसमें दस में से छह गाने मेरे थे चार ए बी सी डी के लिए दो रेस के लिए तो ये मैं जो बोलता हूँ कि अगर आप कोशिश करें अपने सर्कमस्टांसेज से राइज करने की और मेहनत करने जो आपने शुरू में बोला था हाँ तो आप जरूर अचीव कर सकते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते तो आर आम आई एम हैप्पी आम सीइंग डिस ऑन योर शो बिकॉज बिकॉज दिस दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट इंटरव्यू विच इज गोइंग इन साइड मयूरपुरी आज से पहले मैंने जितने इंटरव्यूज दिए वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में वो मेरे बारे में नहीं है इसीलिए आई एम एम हैप्पी टू ओपन अपर दैट आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई एम हैप्पी दैट आव हैव

तो इनका क्या होगा इन इन सब की बड़ी उम्मीद है मुझसे मुझे सरोकार इस बात से होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं Correct. और मेरे साथ क्या कर रहे हैं ये मेरे हाथ में नहीं है Correct. आज मेरा प्रोड्यूसर मुझे ना समझे मुझे अपनी फिल्म से निकाल दे ये मेरे हाथ में नहीं है मैं मैं अपना काम जानता हूं मैं अपना काम कर सकता हूं मगर बत... मगर जब हेमा जी ने इस शो पर बोला और आपके मम्मी डैडी ने देखा उसका तो सवाल उठा होगा फोन आया होगा वो वही सबसे बड़ी बात है ना पैंतीस साल की उम्र मैं रोया घर में बैठ के क्योंकि मुझे दुख हुआ कि ये ये मैं डिजर्व नहीं उनके फोन आने पर रोए कि नहीं मैं मैं जानता था वो देख रहे हैं मुझे पता और था आप कि वो भी देख, देख रहे थे हैं। और और आप भी थे मैं भी देख रहा था और तो मुझे भी बुरा लगा। लग, आ, हाँ तो मैं मुझे मुझे लगा कि ठीक है मैं मैं हो सकता है मैं बहुत बुरा इंसान हूं शायद किसी के लिए मगर ये मैं डिजर्व नहीं करता कि आप नेशनल मीडिया पे आके आप मेरे बारे में ऐसी बात कहें जो सच नहीं है और जो आपको सोचना चाहिए कि हर एक इंसान की भी एक फैमिली होती है आप एक बंद कमरे में बैठ के चार बातें कर लो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लो मैं हर एक मीटिंग में गया हूँ फेडरेशन में गया हूँ डायरेक्टर एसोसिएशन मेरे साथ में रही है राइटर्स एसोसिएशन मेरे साथ में मुझे मेरे सारे हक दिलवाए इन एसोसिएशन फेडरेशन है विनर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मगर ये किसी को नहीं पता है mm. कि मैं किन शर्तों पर जी, जीता हूँ वो बैटल जो थी mm. मुझे एक कमरे में बिठा के और बारह प्रोड्यूसर्स ने एक साथ अटैक किया है और कहा है कि तुम बर्बाद हो जाओगे तुम निकल जाओगे इस इंडस्ट्री से तुम्हें कोई काम नहीं देगा तुम किससे भिड़ रहे हो तुम क्यों ये सब कर रहे हो आई से ठीक है फेयर एंड बट इफ पीपल वॉन्ट मी आई विल बी हियर यू प्रोड्यूसर्स आर नॉट मेकिंग दिस इंडस्ट्री ऑडियंस इज केप मी हियर ऑडियंस एज केप मी आर आपने उसके बाद भी स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं डायलॉग्स भी हाँ. लिखे हैं येट आप रेकग्नाइज हो रहे हैं बतौर लिरिक्स राइटिंग तो ऐसा क्यों आर यू बेटर नोन एज एज आई स्टिल थिंक दैट स्क्रीन प्ले और डायलॉग डायलॉग में मुझे ओम शांति से बड़ा बेनिफिट हुआ था Correct. पिक्चर अभी बाकी है बिकेम अ कल्ट लाइन आज भी यूज करते हैं लोग और फॉर ऑल में हमेशा हंसते कि अगर एक रुपया हमको मिले हर बार कोई यूज करे लाइन तो हमें <laughs> so हम काम, काम कोई काम करने की जरूरत नहीं।, <laughs> नहीं एक चुटकी सिंदूर ये तो उसके डायलॉग्स बड़े कल्ट थे बड़े मतलब आज तक लोग उसको ये करते मगर बिकॉज इट वॉज सच अ बिग फिल्म तो कहीं खो गया मेरा नाम उसमें मतलब इट बिकेम अ शाहरुख फिल्म इट बिकेम अ फारा फिल्म uh, फिर भी बहुत मुझे बहुत रिकग्नेशन मिला uh, लिरिक्स का एक अलग ही पूरा माहौल होता है कि म्यूजिक डायरेक्टली कनेक्ट्स विथ पीपल ने और ये मैंने देखा है लोगों को पढ़ा होता है कि अरे क्या लाए किसने लिखा है किसने लिखा है hmm. तो लिर को फिर भी अपना ड्यू मिल जाता है जल्दी मिल जाता है। और जो फिल्म आप लिख रहे हैं थोड़ी उत्सुकता है जानने की इट विल बी अ रॉम कॉम विल बी अ रॉम कॉम बिकॉज मुझे रिश्तों में बड़ा इंटरेस्ट है मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि रिश्ते लोगों के कैसे एंड इट्स अ वेरी यंग फिल्म इट्स अ वेरी यूथ ओरिएंटेड फिल्म एंड मैं ज्यादा नहीं बता सकता मगर इतना है कि इट्स इट्स अबाउट हाउ यू फॉल इन लव एंड हाउ यू फॉल आउट ऑफ लव अच्छा इट्स इट्स bit लाइक दैट चलिए मयूर जी ये हम पूछेंगे भी नहीं कि ज्यादा बताइए हम ये बता सकते हैं कि आप जब भी फिल्म बनाएंगे बहुत अच्छी बनाएंगे थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी तो so, दोस्तों ये थे मयूरपुरी और ये मिस्टर पुरी और मिसेस पुरी के लिए खास है यानी मयूर के माता जी और पिताजी के लिए इसी शो पर आपने सुना था कि मयूरपुरी डज नॉट नो नौ हिज इस जॉब इसी शो पर आप सुन लीजिए कि मयूरपुरी मोर देन नोज हिज जॉब ही हैज मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ एंड आने वाले दिनों में आप देखिए आपका बेटा कहाँ पहुँच